यतनवया तिरतचार्थीश विज्ञः स्वरा तेनि ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् वरहा पीडम नटवरे वपु कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनकपिशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुर्धर सुधया पूरयण गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशिद गीत कीर्ति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमे उदीरे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः बोली बाल कृष्ण भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आइए भगवान की लोक पावन लीलाओं में स्नान करने के लिए हम पुनः अपने आप को तैयार करें। भगवान की लीला जीव के मन को बलात् अपनी ओर खींच लेती है। भगवान की लीलाएं ऐसी मधुकर हैं कि ब्रह्मा आदि खिंचे हुए चले आते हैं। बड़े बड़े योगियों की समाधियां टूट जाती हैं। भगवान वृक्ष के अंदर रहते हुए अपनी बाल सुलभ लीलाओं से सभी ब्रजवासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। और गोपियों का मन केवल एकमात्र भगवान में ही लगा हुआ है, केवल भगवान। खाते पीते सोते चलते घर का काम करते हुए ठाकुर जी में चित्त लगाए रखते हैं और संसार के लोगों को शिक्षा दे रही है कि तुम घर गृहस्थी के काम करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। शर्त यही है कि मन में संसार को मत बसाओ, मन में केवल गोविंद को बसाओ, केवल
कर से करम करहूं विधि नाना मन राखहूं जहां कृपा निधान। हाथों से कर्म करो, संसार के व्यवहारों को करो, परंतु मन में संसार को मत बसाओ। देखो जिस प्रकार नाव समुद्र पर चलती है, उसी प्रकार अपने मन को बनाओ। देखो अगर नाव के भीतर समुद्र का जल आ जाएगा तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। उसी प्रकार संसार रूपी समुद्र में जब अपने मन रूपी नौका पर तुम बैठे हुए हो, अगर इसमें संसार रूपी जल तुमने डाल दिया तो क्या होगा? तुम डूब जाओगे। इसलिए अपनी मन रूपी नौका में संसार रूपी जल नहीं, भगवान श्री कृष्ण रूपी नाविक को बिठाओ। अगर वो तुम्हारी नाविक के नाव के नाविक बनेंगे तो तुम्हारी यह नाव संसार रूपी समुद्र से बड़ी ही सहजता और सरलता से पार हो जाएगी। और जो अपने मन रूपी नौका में भगवान को नहीं बिठाते, संसार को बिठाते हैं, जैसे जल भरने पर नाव में वो नाव उस जल में ही डूब जाती है, ऐसे ही संसार रूपी जल भरने से ये जीव संसार में ही डूब जाता है और नष्ट हो जाता है। मेरे आचार्यगण कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए बन जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ कर भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। घर बैठे बैठे केवल शर्त यही है, नियम यही है कि सोते बैठे खाते पीते चलते कृष्ण स्मरण रखो, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। ये प्रेम गली इतनी पतली है कि इसमें दो आ ही नहीं सकते। या तो इस गली में संसार को बिठा लो या भगवान को, आएगा एक ही। पर संसार को बिठाओगे तो नष्ट हो जाओगे, और भगवान को बिठाओगे तो इस संसार रूपी समुद्र से तर जाओगे। गोपियां घर का काम करते करते केवल भगवान का ही चिंतन करते। गोपी दही छा छबिलो रही है, गाती मथानी संग नारी सारी, गोविंद दामोदर मां दामोदर माधवी। केवल भगवान को ही चाहती, भगवान का ही स्मरण करती। और जिसको भगवान अच्छे लगते हैं, भगवान की लीला कथा अच्छी लगती है, उसको संसार अच्छा नहीं लगता। संसार उसको भाता नहीं। वे गोपियां जल्दी जल्दी घर के काम धंधे को समेट लेती और शीघ्रता रहती कि जल्दी से हम जाएं और सब गोपियां मिलकर आपस में भगवान की लीला कथाओं की चर्चा करती। केवल एक ही भाव कि भगवान की लीलाओं की चर्चा। भक्त सब कुछ छोड़ सकता है, पर भगवान की कथा छोड़ना भक्त के लिए संभव नहीं है।
तब कथामृतम तप्त जीवनम। कि भगवान की कथामृत कैसी है, भगवान की कथामृत हमारे जीवन में शांति लाने वाली है, मन को शांत करने वाली है। भव रोग की राम बाण औषध है भगवान की कथा। और जिसको भगवान की कथा का चस्का लग गया वो छोड़ना ही नहीं चाहता। मेरे आचार्य गण कहते हैं, राम कथा ये सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन नाही। जो कथा सुनकर अघा गए उसने कोई रस विशेष जाना ही नहीं। भगवान की कथा तो प्यास को बढ़ाती है कि और और और। भगवान की कथा जिसको भा गई, जिसके मन को अच्छी लग गई, उस कथा का रस जिसको मिल गया वो सब कुछ छोड़ सकता है, पर भगवान की कथा को छोड़ना उसके बस में होता ही नहीं है। एक ही मन की जल्दी से जाऊं कहीं मेरे प्रभु की कोई चर्चा निकल ना जाए। और गोपियां झुंड के झुंड बनाकर आपस में केवल कृष्ण चर्चा करते। शरीर उनका घरों में होता, शरीर अवश्य वहां होता, परंतु मन कहां होता? मन केवल कृष्ण के पीछे पीछे वन में चला गया होता है, वन में चली जाती है और बैठकर चर्चा कर रही है। एक दिन के बाद गोपियां आपस में चर्चा करती हुई कह रही हैं कि हे गोपियों, मैंने तो आंख वालों के जीवन की इतनी ही सफलता देखी है। भी कहती है, तुमने कौन सी सफलता देख ली आंखों के होने की? कि सुन गोपी में बताती हूं, अक्षण वतां फलम इदं न परम विदाम सख्या पशु ननु विवेश यतुर्वयस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयोरुवेणुजुष्टम् येरवानि पीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियों वे यही है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री बलराम दोनों भाई बांसुरी बजाते हुए गायों के पीछे पीछे वन की ओर जा रहे हो, या सायंकाल के समय गायों को चराकर वापस नंदगांव की ओर लेकर आ रहे हो, तब भगवान की उस छवि का दर्शन करें, इसी में इन आंखों का होना सफल है। मेरा तो यह मानना है कि उन दोनों भाइयों की उस छवि का दर्शन करें। गोपी तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, बिल्कुल ठीक कहती हो। हमारे श्याम सुंदर हैं ही इतने प्यारे कि जो इनको एक बार देख लेता है ना, फिर वो इनका ही होकर रह जाता है, वो फिर किसी और का नहीं हो पाता। हमारे श्याम सुंदर की जो छवि है, वो खारविंद की जो छवि है ना, वो मन को बला अपनी ओर खींच लेती है, जीव खिंचा हुआ चला जाता है। एक बार की बात थी, बरसाने की एक गोपी नंदगांव में ब्याही। अब उस गोपी की मां कह रही है कि देख बेटी, तू नंदगांव में विवाह करके जा रही है, पर वहां पर एक नंद बाबा का लड़का है,
बेटी मैंने सुना है कि वह बहुत बड़ा जादूगर है, जो उसको एक बार देख लेता है ना, फिर पुनः वो संसार का रहता है, वो संसार का नहीं रहता है। बेटी कैसे भी हो तो उससे अपनी आंखें मत मिला लेना। अगर तूने अपनी आंखें अगर उससे मिला ली, फिर तू अपनी घर गृहस्थी संभालने योग्य नहीं रह जाएगी, क्योंकि जो उनको देख लेता है वो अपनी घर गृहस्थी छोड़कर पागलों की भांति उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। अब मां ने शिक्षा दी और उस गोपी ने अपने गांठ बांधी। अब विवाह होकर नंदगांव में आई है, तब आगे से कन्हैया आ गए, अरे फलाने गोप की शादी हुई है, उसकी बहू आई है, चलो उसका मुख देखें कैसी बहू है। अब जाकर कन्हैया उस गोपी से कहने लगे, अरे भाभी तनिक अपना मुख तो दिखाओ, मैं नंद बाबा का लड़का कृष्ण श्याम सुंदर। पर गोपी को अपनी मां की बात याद थी, उसने अपना घूंघट नहीं उठाया। भगवान ने बार बार आग्रह किया कि देख गोपी, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूं, अगर तू कहेगी मैं तेरे को मुंह दिखाई नहीं दूंगा। बार बार कहने पर भी उस गोपी ने श्याम सुंदर को अपना मुख नहीं दिखाया। तब श्याम सुंदर कहने लगे, गोपी ठीक है, तेरी अगर ऐसी ही इच्छा है तो ठीक है, हमें भी मुख नहीं देखना। अब भगवान चले गए। कहते हैं जब जीवन में संकट आता है ना, तो उस समय जीव सब बातों को भूल जाता है। जिस समय इंद्र ने ब्रज के ऊपर भयंकर वर्षा करी और सब ब्रजवासी उस वर्षा से पीड़ित हो गए, तब भगवान उन सब ब्रजवासियों को गिरिराज जी की शरण लेकर गए और स्वयं गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पर उठा लिया और सभी ब्रजवासियों से कहा कि सब इस गिरिराज पर्वत के नीचे आ जाओ। सभी इंद्र की वर्षा से पीड़ित हो रहे थे, घबराते हुए उस गिरिराज गोवर्धन पर्वत के नीचे आए, वह गोपी भी उस पर्वत के नीचे आई। उस दिन माँ का कहा हुआ भूल गई और सामने नंद नंदन श्याम सुंदर के ऊपर दृष्टि पड़ गई और जैसे ही श्याम सुंदर को देखा तो मन हाथ से निकल गया। ओह कितना सुंदर बुखार है। अब भगवान से वह गोपी क्षमा मांग रही है कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करना, आप मेरा मुख देखने के लिए मेरे पास आए थे, परंतु मैंने आपको अपना मुख नहीं दिखाया। भगवान अब मैं आपके सामने खड़ी हूं, आप मेरे को स्वीकार करें। तब भगवान कहने लगे, गोपी नहीं, इस जन्म में मैं तेरे को प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने इस देह से मेरा अपमान किया है, परंतु तुमने सच्चा प्रायश्चित किया है, इसलिए अगले जन्म में तुम मेरे को अवश्य प्राप्त होगी और तुम्हें मेरी स्मृति भी मिलेगी। तब वही गोपी मीराबाई बनकर आई और भगवान की वह छवि ऐसे अंकित हुई कि उस जन्म में भी भगवान की उस छवि का ही ध्यान करती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, गिरधर गोपाल ही मेरे हैं, दूसरा कोई नहीं है। अब यही भगवान कहे,
गोपियां कहती हैं कि इन श्याम सुंदर को कोई एक बार देख लेना फिर वो इस संसार का रह ही नहीं पाता है। हाँ सखी तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अरे सखी जब हमारे प्यारे श्याम सुंदर अपने मुखार बिंद पर बांसुरी का स्वर भोगते हैं मुखार बिंद से तो कैसी सुंदर ध्वनि उसमें से निकलती है। अपने अधा मृत कर उस बंसी को धरकर उस बंस और उस बंसी में अपना स्वर लगाते हैं तो सखी सब लोगों की विचित्र दशा बन जाती है। जो भी हमारे श्याम सुंदर की उस बांसुरी को सुनता है उसका मन उसके हाथ से निकल जाता है। और यशोदा से कहती है अरे यशोदा तुम्हारो ये कन्हैया बड़ो ही चतुर है कहीं से इन्होंने बांसुरी बजाना सीखा नहीं है पर ऐसे ऐसे स्वरों को लगाते हैं स्वयं विद्या की देवी सरस्वती जी भी हैरान हो जाती हैं कि आखिर ये स्वर आए तो आए कहां से ये शब्द कोश भी मेरे पास नहीं थे। बांसुरी की ध्वनि सुनकर मन हाथ से निकल जाता है। अब वे बांस से पूछती हैं अरे बांस तुम्हारे कुल में ये बांसुरी उत्पन्न हुई है आखिर तुम्हारे कुल से भगवान इतना स्नेह क्यों करते हैं कि तुम्हारे ही वंशज तुम्हारी संतान की बांसुरी को अपने मुख पर धारण करते हैं। तब वह बांस कहने लगा कि गोपी हो मैं अपने भीतर कुछ भी नहीं रखता इसलिए मैं भगवान का प्रिय हो गया। जो अपने भीतर कुछ भी नहीं रखता है वह भगवान का प्रिय हो जाता है। निष्कपट न काम न क्रोध न लोभ न मोह कुछ भी ना रखे इसलिए भगवान का प्रिय बन गया। बांसुरी कहती है कि गोपियों मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं बोलती मेरे प्रभु जैसा मुझसे बुलाना चाहते हैं मैं वैसा ही बोलती हूं और मीठा बोलती हूं कभी कड़वा नहीं बोलती। भगवान कहते हैं कि बोलो तो मीठा बोलो मीठी वाणी बोलो। बांसुरी कहती है कि मैं वर्षा को सहती हूं धूप को सहती हूं सर्दी को सहती हूं परंतु कभी भी उफ आह नहीं भरती जहां तक कि मुझको काटा जाता है तब भी मैं कुछ नहीं कहती। मेरे सीने में सात छेद किए जाते हैं तब भी मैं कुछ नहीं कहती इसी से मैं भगवान की प्रिय बन गई। अगर तुम चाहते हो कि तुम भी भगवान की प्रिय बन जाओ तो ये संसार तुमको कितना भी कष्ट दे तुम कभी व्याकुल मत होना। संसार के तापों से संसार के दुखों से तुम व्यथित मत होना। देखो तुम भी भगवान की प्रिय बन जाओगे तुम भी बन जाओगे। गोपियां कहती हैं कि बांसुरी तो बिल्कुल ठीक कहती है। अब एक गोपी कहने लगी कि देखो जिस समय हमारे श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं ना उस समय इन हिरणों की कितनी विचित्र दशा होती है।
जब इनके हिरणियों के कान में भगवान की बांसुरी का स्वर पड़ता है, इन हिरणियों का मन इनके हाथ से निकल जाता है। बड़ी विचित्र इनकी दशा होती है। जो दूब की पत्तियां इनके मुख में पड़ी हुई होती हैं, वे इन दूब की पत्तियों को ना तो निगल पाती है ना उगल पाती है। केवल निर्निमेश नयनों से हमारे श्याम सुंदर की ओर देखती रहती है। और इतना इन हिरणियों के मन में प्रेम उमड़ता है कि अपनी आंखों के द्वारा प्रेमाश्रु बहाने लगती है। हाँ गोपियों, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम इन गायों को नहीं देखती। जब भगवान अपने बांसुरी के ऊपर अपना उस बांसुरी में स्वर फूंकते हैं, तब ये गायें अपने कानों के दोनों को खड़ा कर लेती है और उन कानों के दोनों के द्वारा उस बांसुरी की ध्वनि को सुनकर अपने हृदय में बिठाती है। और मन ही मन भगवान का वहां आलिंगन करती है और नेत्र बंद किए किए भगवान की उस छवि का ध्यान करते करते अपनी आंखों के द्वारा अश्रु धारा बहाने लगती है। हाँ गोपियो, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। यही नहीं, ये तो सब हमारी ब्रज की वस्तुएं हैं। अरे आकाश में विचरण करने वाली जब अप्सराएं आकाश मार्ग से जाती हैं और वहां पर जब भगवान की इस बांसुरी की ध्वनि को सुनती हैं, तब उनका मन भी उनके हाथ से निकल जाता है। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ होने की लज्जा होती है, संकोच होता है, कुछ नहीं कह पाती। परंतु जो जो बांसुरी की ध्वनि हृदय में प्रवेश करती चली जाती है, आखिर उन पतियों के साथ होने का भी भ्रम निकल जाता है। मन हाथ से निकल कर कब मूर्छित होकर गिर गई उनको पता ही नहीं चलता। कब उनकी नीवी की गांठ खुल गई, कब उनकी चोटी में से फूल नीचे गिर गए, उन्हें पता ही नहीं चलता। परम व्याकुल हो जाती है। हाँ सखी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम इन मेघों को नहीं देखते। ये मेघ जब देखते हैं कि श्याम सुंदर ने हमारे जैसा वर्ण धारण किया है, रंग धारण किया है, हमारे श्याम सुंदर का रंग बिल्कुल हमारे जैसा है, और जब लोग उदाहरण देते हैं तो इस प्रकार उदाहरण देते हैं कि मेघ वर्ण मेघ श्याम, हमारा नाम सदा सदा के लिए इन्हीं भगवान के साथ जुड़ गया है। उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उमड़ आती है और जब वो देखते हैं कि हमारे प्रभु को घाम हो रहा होगा, धूप लग रही होगी, तब अपने वस्त्र का छाता लेकर भगवान के ऊपर तान देते हैं कि भगवान को धूप ना लगे, और अपने छाया करते हुए भगवान के साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। इतना ही नहीं सके वो नन्नी नन्नी फुइयों के रूप में भगवान के ऊपर बरसने लगते हैं, डरते डरते कि हमारे श्याम सुंदर का तन बहुत ही कोमल है, कहीं जोर से कोई बूंद लग ना जाए, हमारे श्याम सुंदर को बहुत कष्ट होगा, इसलिए नन्नी नन्नी
फुइयों के रूप में बरसते हैं कि हमारे प्रभु को कष्ट ना हो। और इस प्रकार जो जल ही उनका जीवन है उसको भगवान के ऊपर न्योछावर कर देते हैं, अपने जीवन को ही न्योछावर कर देते हैं। हाँ सखी तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, भगवान की जब बांसुरी बजती है तो यही मेघ मंद मंद स्वर में गर्जना करते हैं और बांसुरी की तान से अपनी तान मिलाते हैं और बड़े डरते हुए धीरे धीरे कि कहीं मैं भूल से जोर से गर्जना ना कर बैठूं और उससे भगवान की बांसुरी में भी सुरापन ना आ जाए, इससे मेरे द्वारा महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। हाँ सखी तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, तुम इन पक्षियों को नहीं देखते। जब भगवान अपनी बांसुरी बजाते हैं तब ये अपना